मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्मण सर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस जो हमारे सिलेबस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे डेली लाइफ में यूज के दृष्टिकोण से बात करें, उपयोग के दृष्टिकोण से बात करें तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस क्या होता है, लेंस में कितने टर्म्स होते हैं, लेंस में लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इन सारे बिंदुओं पे, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। पहले मैं शुरुआत करता हूं लेंस के डिफिनेशन से। कहता है बहुत सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, पांचवा सरफेस, बहुत सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से घिरा हुआ बाउंडेड एक वैसा मीडियम, मीडियम मैंने शब्द इस्तेमाल किया, मीडियम मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि लेंस केवल ग्लास का ही बनेगा, लेंस किसी अन्य मीडियम का भी बन सकता है। हमारे दिमाग में, हम सभी विद्यार्थियों के दिमाग में यह सेट होता है कि लेंस केवल ग्लास का होता है, ऐसा नहीं करना है, लेंस किसी भी मीडियम का बन सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अधिकांश लेंस ग्लास से बनता है, मैक्सिमम लेंस ग्लास से बनता है, लेकिन ग्लास से ही केवल बन सकता है ऐसा नहीं सोचना है। तो कहता है कि बहुत सारे सरफेस से घिरा हुआ एक वैसा मीडियम जिसका कम से कम एक सरफेस, एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट बी कर्व्ड, जिसका कम से कम एक सतह निश्चित तौर पे कर्व होगा, टेढ़ा होगा, ऐसे मीडिया को हम लेंस कहते हैं। मैंने लिखा भी इस बात को, द ट्रांसपेरेंट मीडिया, मीडिया बाउंडेड बाय मेनी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एमंग विच एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट बी कर्व्ड इज कॉल्ड लेंस, उसको हम लेंस कहते हैं। लेंस के बहुत प्रकार हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जितना पढ़ना है, जितने प्रकार के लेंस से हम लोगों की मुलाकात होगी, हम उसका डिस्कशन कर देते हैं। उसके लिए नीचे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ लेंस। आप इसके फिगर को ध्यान से देखिए, एक सरफेस, एक सरफेस, दो सरफेस इसमें है, इसमें दोनों सरफेस कर्व है, दोनों सरफेस कर्व है और दोनों तरफ से ये कॉन्वेक्स बना हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई लेंस दो, कॉन्वेक्स इधर से भी कॉन्वेक्स बना है, इधर से भी कॉन्वेक्स बना है, इसलिए इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। जरा इसको देखिए, एक सरफेस और इधर से दूसरा सरफेस, इसमें भी दोनों सरफेस कर्व है, इसमें भी दोनों सरफेस कर्व है, लेकिन इधर से भी कॉनकेव है, इधर से भी कॉनकेव है, इसलिए इसको बाई कॉनकेव लेंस कहते हैं, शॉर्ट में कॉनकेव लेंस कहते हैं। जरा इसको देखें, ये इधर से प्लेन है, एक सरफेस इसका प्लेन है, एक सरफेस इसका कर्व है। तो मैंने डेफिनेशन में कहा था कि एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट बी कर्व, कम से कम एक सतह कर्व होना चाहिए। एक तो इसका है, एक तरफ से प्लेन है, एक तरफ से कॉन्वेक्स है, इसलिए इसका नाम होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सेम बात है इसमें भी है, एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस कर्व है, इधर से प्लेन है और इधर से कॉनकेव है, इसलिए इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस। ये हुई लेंस का डिफिनेशन और लेंस का टाइप्स। अब मैं बता दूं बच्चों कि प्लस टू लेवल में आपको दो ही लेंस से भेंट होगा, इसलिए पढ़ने का तो हम चार पढ़ लिए,
लेकिन हम लोगों को मुख्य तौर पे जो चर्चा करना है, डिस्कशन करना है, वो दो लेंस पे करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस पर और एक कॉनकेव लेंस पर। अब मैं आगे बढ़ाता हूं इस बात को, लेंस से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, हम लोग उसको समझेंगे और फिर उसके डेरिवेशन को, उसके डेफिनेशन को भी जानेंगे। हाँ तो बच्चों ध्यान दें, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, लेंस से संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स। इन बेसिक टर्म्स को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो लेंस के किसी भी डेरिवेशन को हम बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इन सबों को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्राइमरी फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है, इन सारे चीजों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। कहता है इसका डिफिनेशन तो हम आपको नोट्स में लिख के दे चुके हैं, आप वहां से मिला के देख लेंगे, मैं अभी सिर्फ इन सारे चीजों को समझा देता हूं, आप इसे समझने का भरपूर कोशिश करें। बच्चों मैंने एक लेंस बनाया, इस लेंस को आप ध्यान से देखिए, ये रहा एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से हम कॉनकेव को भी लेकर समझ सकते हैं। कहता है कि लेंस के अंदर एक वैसा पॉइंट जिस पॉइंट पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट करे, उस पॉइंट से होकर के अगर कोई लाइट इंसिडेंट करे तो बिना पाथ चेंज किए अगर एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है तो उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर की विशेषता है कि उस पॉइंट पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो बिना पाथ चेंज किए बिल्कुल स्ट्रेट में वो लाइट चला जाता है। अगर ऐसा होता है तो उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अक्सर इसको ओ से डिनोट करते हैं, ओ से इसे सूचित किया जाता है। अब आती ही बात सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसे ध्यान से देखें कि यह एक कर्व सरफेस है, यह एक कर्व सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस भी कह सकते हैं, दूसरा सरफेस भी कर्व सरफेस है, लेकिन आप ध्यान दीजिए या आपको रिमाइंड करने की आवश्यकता है कि यह कर्व सरफेस जो है वो किसी न किसी स्फीयर का टुकड़ा रहा होगा, स्फीयर का पार्ट रहा होगा। तो अगर हम इसका स्फीयर इधर से कंप्लीट करने की कोशिश करें और इसका स्फीयर इधर से कंप्लीट करने की कोशिश करें तो जिस स्फीयर से ये बना है उस स्फीयर का जो सेंटर था, जिस स्फीयर से ये बना है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, भले आपने उस स्फीयर से काट के इस सरफेस को बनाया, स्फीयर खत्म हो गया लेकिन सेंटर अभी भी बरकरार है, अभी भी मेंटेन है। तो उसी सेंटर को लेंस के दृष्टिकोण से हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि लेंस दो सतह से घिरा होता है, इसी को हम लोग C1 और C2 से सूचित करते हैं, कभी कभी इसको 12 और 12 डैश से भी सूचित किया जाता है, 12 और 12 डैश से भी इसको हम सूचित करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, इन सबों को जोड़ने वाली जो रेखा होगा, इस तरह का जो लाइन होगा, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। या मैं लिख दे रहा हूं कि इसी लाइन को प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब रही बात प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेंस में दो फोकस होता है, एक को प्राइमरी कहते हैं, एक को सेकेंडरी कहते हैं। अब प्राइमरी किसको कहते हैं? तो भाई आप इसमें समझिए कि लाइट दोनों तरफ से इंसिडेंट कर सकता है, लेफ्ट साइड से भी इंसिडेंट कर सकता है, राइट साइड से भी इंसिडेंट कर सकता है। मान लीजिए कि मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट लेके गया इस प्रकार से, तो लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन के बाद यह लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को जहां काटा तो भाई इसी जगह पे काटा, तो इसी बिंदु को हम फोकस कहेंगे। और जिस फोकस से ये लाइट अभी पास किया इसको हम प्राइमरी फोकस कहते हैं। इसके अपोजिट में जो फोकस बच गया उसको हम सेकेंडरी फोकस कहते हैं, उसको एफ एस से सूचित करते हैं। मैं बातों को फिर से एक बार रिवर्स करता हूं, अगर लाइट राइट साइड से आता इंसिडेंट करता तो एफ एस से पास करता, तो एफ एस बन जाता प्राइमरी फोकस और एफ बनता सेकेंडरी फोकस। तो इस तरह से ये प्राइमरी फोकस की बात हुई। अब कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर और प्राइमरी फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है एफ, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। इस तरह से बच्चों लेंस से संबंधित जीरो लेवल का बहुत ही शुरुआती स्तर का जो छोटा छोटा पॉइंट्स था वो मैंने क्लियर करके बताया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किसी लेंस में किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों इसके आगे हम लोग लेंस में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है उस पर चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, पहले कॉन्वेक्स का फिर बाद में कॉनकेव लेंस का। मैंने हेडिंग दिया फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन कॉन्वेक्स लेंस। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट को छह डिफरेंट स्थानों पे रख सकते हैं, छह अलग अलग जगहों पे रख सकते हैं और छओ का रे डायग्राम आपको ट्रेस करना है, उसको बनाना है, उसको छापना है। बच्चों मैंने एक करके शुरू किया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब कोई वस्तु इंफिनिटी पर हो तब उसका इमेज किस तरह से बनता है और इमेज की विशेषता क्या क्या हो सकता है। मैंने एक लेंस बनाया, आपको पहले से नियम बता चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरण लेना आवश्यक होता है। मैंने दो लाइट लिया, दोनों लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, रिफ्रैक्शन के बाद दोनों फोकस से पास किया और एक दूसरे को फोकस पे काटा, प्राइमरी फोकस पे काटा। आपको ये भी नियम बता चुके हैं कि दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, वही इमेज का पोजीशन होता है। अब आते हैं इमेज का विश्लेषण करते हैं, इमेज का पोजीशन कहां है, तो फिगर में देखने की आवश्यकता है एट प्राइमरी फोकस। इमेज का नेचर कैसा है, तो क्या दोनों लाइट एक दूसरे को रियली नहीं काटा, पता चला कि बिल्कुल रियली काटा है, इसलिए रियल एंड पॉइंटेड, ऐसे रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, लेकिन चूंकि यहां पॉइंट जैसा इमेज है इसलिए पॉइंटेड शब्द लिखेंगे। साइज, वस्तु का साइज काफी बड़ा रहा होगा जबकि इमेज का साइज काफी छोटा है, पॉइंट के जैसा है, इसलिए हम इसको पॉइंट साइज इमेज लिखे हैं। सेकेंड केस में आते हैं, when object is placed between infinity
एन टू एफ डैश, मैंने फिर से एक लेंस बनाया, ये रहा मेरा टू एफ डैश और इधर कहीं रहा होगा इंफिनिटी, उसके बीच में ए भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है, हम इसी का इमेज बनाना चाहते हैं। नियम वही है, ऑब्जेक्ट से कम दो प्रकाश की किरण आपको लेना है। मैंने एक लाइट ऑब्जेक्ट से लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था, लेंस पे टकराया, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया, और एक लाइट हम सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट किए। अभी मैं इसी वीडियो में बताया आपको कि ऑप्टिकल सेंटर पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो वह सीधा पास कर जाता है। यह लाइट बिल्कुल सीधा पास कर गया, दोनों एक दूसरे को यहीं पे काटा, इसीलिए इसी को कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। ए बी ऑब्जेक्ट का ए डैश बी डैश इमेज बनकर तैयार है। अब चलिए इमेज का विश्लेषण करते हैं। इमेज कहां बना? एफ और ट्वेल्व के बीच बना। नेचर कैसा था? रियल और इन्वर्टेड था। साइज कैसा है? तो वस्तु के साइज से प्रतिबिंब का साइज छोटा है, इसलिए इसको डिमिनिश्ड कहते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब ही होता है साइज ऑफ इमेज इज अ स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये दो केस बना के दिखाया। मुझे उम्मीद है कि बाकी का जो चार केस है वो आप खुद से बनाएंगे और इसका रे डायग्राम बनाने के लिए सीखेंगे, और इसके बाद फिर बचता है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन कॉनकेव लेंस। ये होमवर्क है आपके लिए, मैं यहाँ तक आपको सिखाया, मुझे उम्मीद है इसके आगे आप बना करके जरूर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन कॉनकेव लेंस। इस तरह से आज हम लोगों ने लेंस का इंट्रोडक्शन से लेकर के लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण तक पढ़े और उसे समझे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके अपने सिलेबस के अंदर अपनी जानकारी को जरूर समृद्ध करेंगे